सो गाइस देखो अभी अपडेट के बाद ना हमारे गेम में जो सबसे ज्यादा बड़ा और इंटरेस्टिंग चेंज है वो है गाइस आप लोग अभी सेंसिटिविटी सेक्शन में जाओगे तो गाइस इधर आप लोग को दिखेगा इधर आप लोग 200 सेंसिटिविटी करा सकते हो। और गाइस देखो अभी लिटरली बहुत बंदे मतलब लिटरली सभी बंदे भी कंफ्यूज है। और गाइस अगर आप लोग सोचो कि मैं ज्यादा सेंसिटिविटी रखूंगा 200 सेंसिटिविटी रखूंगा तो मेरा ज्यादा हेडशॉट लगेगा तो गाइस देखो आप लोग बिल्कुल ही गलत हो। और लिटरली गाइस देखो मेरे को अभी इतने सारे कमेंट आ रहे हैं ना कि अभी भाई हम लोग को जल्दी सेंसिटिविटी बताओ हम लोग का गाइस हेडशॉट ही नहीं लग रहा है कुछ भी लग रहा है अपडेट के बाद हम लोग सब पूरा एकदम कंफ्यूज है। तो गाइस देखो मुझे पता है आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो गाइस देखो इस वीडियो को आप लोग पूरा एंड तक देखो। मैं आप लोगों को गाइस हर एक डिवाइस के लिए जो बेस्ट सेंसिटिविटी होगा अभी के टाइम के लिए वो गाइस देखो मैं आप लोगों को बता दूंगा। और गाइस देखो मैं लगातार सुबह से हर एक डिवाइस में ट्राई कर रहा था और जो गाइस मेरे को अभी तक का जो बेस्ट सेंसिटिविटी लगा हेडशॉट के लिए वो गाइस देखो मैं आप लोगों को अभी बता देता हूं। बट उससे पहले गाइस प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को गाइस जरूर से आप लोग सब्सक्राइब कर देना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जल्दी से गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो अपडेट के बाद गाइस देखो ये जो जनरल ना ये गाइस अगर आप लोग ज्यादा रखोगे तो मेनली गाइस आपका जो फोकस पड़ेगा वो है गाइस स्क्रीन को अगर आप लोग इधर उधर लेफ्ट राइट घुमाते हो ना तब गाइस देखना बहुत ही ज्यादा मतलब जल्दी जल्दी घूमेगा बट उतना भी ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। अगर आप लोग नॉर्मली ड्रैग करते हो तो ज्यादा आप लोग फर्क नहीं देख पाओगे मतलब हाँ फर्क तो देख पाओगे बट अगर आप लोग सोचो आप लोग का जैसा हेडशॉट लगता था आपका डबल लगेगा पहले से तो गाइस ऐसा नहीं होगा। आप लोगों को ज्यादा फील होगा कि जब भी आप लोग स्क्रीन को घुमा रहे हो ना तो जैसा डीपीआई लगाने से लगता था वैसा गाइस अब भी आप लोगों का लगेगा। और रेड डॉट में आप लोगों को बता देता हूँ रेड डॉट क्या होता है। देखो गाइस रेड डॉट से वन टैप का कोई भी लेना देना नहीं है सिंपली मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये गाइस वर्क होता है अगर आपका गन में डिफॉल्ट स्कोप लगा हुआ है ना मतलब कोई भी 2A स्कोप 4A स्कोप नहीं लगा हुआ है तब गाइस डिफॉल्ट वर्क करता है। उसके बाद 2A स्कोप का सेंसिटिविटी तो आपको पता ही है 2A स्कोप का जितना ज्यादा सेंसिटिविटी होगा उतना ही गाइस आप लोग जब भी ड्रैग करोगे ना 2A स्कोप में तो हेडशॉट लग जाएगा। फिर 4A स्कोप का भी सेम है सिर्फ 2A की जगह 4X है। और स्नाइपर स्कोप गाइस इसको गाइस अभी अपडेट के बाद मैं आप लोगों को बोलूंगा कि आप लोगों को रखना है। और लास्ट में गाइस देखो जो फिलू है वो तो वैसे भी कोई काम का नहीं है। तो अभी गाइस देखो मैं आप लोगों को हर एक डिवाइस के लिए बता देता हूं कि आपको क्या सेंसिटिविटी रखना है आप लोग फटाफट कॉपी कर लो फिलहाल। तो सबसे पहले गाइस हम लोग 2GB RAM के बारे में बात करते हैं। इधर गाइस आप लोगों को जनरल 200 रखना है। रेड डॉट को गाइस आप लोगों को 200 रखना है। 2X स्कोप को गाइस आप लोगों को 200 रखना है। 4X स्कोप को भी गाइस आप लोगों को 200 रखना है। स्नाइपर स्कोप को भी गाइस आप लोग 200 रख देना। मतलब गाइस देखो 2GB में ना आप लोगों को सब कुछ 200 पे ही कर देना क्योंकि गाइस आपको तो पता ही है। तो अगर आप लोग 2GB में खेलते हो आपको तो पता ही है भाई सेंसिटिविटी उधर होता ही नहीं है कुछ भी नहीं होता बहुत ज्यादा लैग करता है। ऊपर से गाइस आप लोगों को ये चीज मिल गया तो गाइस आप लोगों को DPI लगाने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। तो आप लोग सब कुछ आप लोग 200 ही करना। फिर गाइस आता है 4GB RAM। इधर भी गाइस देखो बहुत ज्यादा लैग करता है तो उनके लिए भी गाइस देखो ये जो सेंसिटिविटी होने वाला है ये वन ऑफ द बेस्ट सेंसिटिविटी होने वाला है। वही गाइस आपको जनरल क्या करना है 190 रखना है। रेड डॉट को 180 रखना है। 2A स्कोप को 190 रखना है। 4A स्कोप को 195 रखना है। स्नाइपर स्कोप को 130 रखना है। और फिलू को गाइस आप लोग कुछ भी रख सकते हो 100 रख सकते हो ठीक है। तो ये सेंसिटिविटी 4GB RAM प्लेयर के लिए काफी ज्यादा अच्छा होने वाला है। और अभी गाइस देखो जो आता है 6GB RAM जो कि गाइस मोस्टली सभी बंदे 6GB RAM में ही खेलते हो तो उनके लिए क्या सेंसिटिविटी अच्छा होने वाला है अभी के टाइम में मैं आप लोगों को बता देता हूं। आप लोगों को क्या करना है जनरल आप लोगों को 150 रखना है। रेड डॉट को गाइस आप लोगों को 130 रखना है। 2X स्कोप को गाइस आप लोगों को 140 रखना है। 4A स्कोप को 130 रखना। स्नाइपर स्कोप 80 और फिलू को गाइस आप लोग 100 रखना। और हाँ गाइस देखो आप लोग DPI को एकदम डिफॉल्ट कर लेना ठीक है। अगर आप लोग DPI के यूज करते हो ऊपर से ये सेंसिटिविटी रखोगे ना तो आपका भाई अलग ही होगा कोई भी शॉट कनेक्ट नहीं होगा सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो गाइस आप लोग अपने डिफॉल्ट DPI में ही खेलना उसके साथ जो मैंने सेंसिटिविटी बताया ये गाइस आप लोग कॉपी कर लेना। फिर गाइस आता है हमारे 8GB RAM प्लेयर के लिए। गाइस आप लोग को जनरल आपको रखना है 120। रेड डॉट 120। 2A स्कोप को 130। 4A स्कोप को 135। स्नाइपर स्कोप को 70 और फिलू को गाइस आप लोग 100 रखना है। और हाँ गाइस देखो आप लोग बाय द वे मेरे को कमेंट सेक्शन में जल्दी से जल्दी बता दो आप लोग कौन से डिवाइस में खेलते हो आपका डिवाइस का रैम क्या है मेरे को फटाफट कमेंट सेक्शन में बता देना। अभी गाइस देखो जो मेन चीज आता है वो आईफोन प्लेयर वालों के लिए जिसके पास आसुस ROG है आईफोन है 12GB RAM फोन है मतलब एकदम हाई एंड डिवाइस है उनके लिए जो बेस्ट सेंसिटिविटी होने वाला है वो गाइस देखो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये सुनकर थोड़ा आप लोगों को शॉक हो जाएगा। जनरल आप लोगों को रखना है 88। रेड डॉट को आप लोगों को रखना है 5। 2A स्कोप को आप लोग को रखना है 78। 4A स्कोप को आपको रखना है 96। स्नाइपर स्कोप की इधर आप लोग को रखना है 60 और फिलू को गाइस आप लोग 100 रख देना। तो ये सेंसिटिविटी गाइस आप लोग एक बार ट्राई करके देखो भाई मेरे जो जो आईफोन प्लेयर है ना सभी के सभी बोल रहे हैं ये सेंसिटिविटी काफी ज्यादा अच्छा वर्क कर रहा है तो आप लोग जाकर एक बार ट्राई करके देख सकते हो। और अभी के टाइम के लिए जो बेस्ट सेंसिटिविटी था वो गाइस मैंने आप लोगों को बता दिया क्योंकि गाइस देखो मुझे पता है आप लोगों को खेलने में दिक्कत हो रहा है तो जल्दी से जल्दी ये सेंसिटिविटी कॉपी कर लेना। इसके बाद वाला जो वीडियो होगा ना वो गाइस देखो मैं और भी अच्छे से एकदम परफेक्ट डिटेल जो बेस्ट सेंसिटिविटी होने वाला है
वो गाइस मैं आप लोगों को बता दूंगा, क्योंकि अभी गाइस देखो आज अपडेट था तो आज ही मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो जल्दी जल्दी जितना जल्दी जल्दी सेंसिटिविटी हो पाया वो गाइस मैंने आप लोगों को बता दिया। अभी मैं और भी सेंसिटिविटी के ऊपर ट्राई करने वाला हूँ और 2-3 दिन के अंदर इससे भी गाइस अच्छा मेरे को सेंसिटिविटी मिल जाएगा और वो गाइस मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। मैं आप लोग एकदम पूरा बता दूंगा कि आपके डिवाइस के लिए कौन सा सेंसिटिविटी बेस्ट होने वाला है। तो गाइस देखो उसके लिए ना आप लोग क्या करना पड़ेगा, चैनल को गाइस सब्सक्राइब करके रखना है और पास में जो बेल नोटिफिकेशन बेल उसको गाइस आप लोग ऑन कर देना। और तब तक गाइस अगर आप लोग सीएस रैंक में रैंडम प्लेयर के साथ खेल के जीतना चाहते हो तो गाइस आप लोग फटाफट राइट वाली वीडियो देखो, या फिर गाइस अगर आप लोग सीएस रैंक के लिए एक बेस्ट कैटा कॉम्बिनेशन चाहिए तो गाइस आप लोग फटाफट लेफ्ट वाली वीडियो देख सकते हो। सो गाइस चलो टाटा बाय बाय पीस।